प्रधानमंत्री सीरीज के पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया कि कैसे दो बार मोरारजी देसाई का प्रधानमंत्री बनने का सपना टूट चुका था। वो दो बार देश के प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए क्योंकि उनके अड़ियल रवैये की वजह से कांग्रेस सिंडिकेट के ज्यादातर लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। लेकिन अब देसाई का सपना साकार होने जा रहा था। कांग्रेस में रहते ना सही, जनता दल में जाकर उनका वो ख्वाब पूरा हो रहा था जो वो पिछले 25 साल से देख रहे थे। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान। प्रधानमंत्री पर हमारी स्पेशल सीरीज है आपके सामने और बात है 1975 की, जब इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही के चलते देश पर जबरदस्ती इमरजेंसी थोप दी थी। करीब 2 साल तक इमरजेंसी का दंश झेलने की वजह से देश के लोगों में इंदिरा के खिलाफ काफी गुस्सा था। वो इंदिरा से नफरत करने लगे थे। साल 1977 आया तो इंदिरा गांधी ने देश में आम चुनाव कराए और पहली बार कांग्रेस को इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। इंदिरा अपनी ही धुन में सवार थी। उनको यह अंदाजा भी नहीं था कि न सिर्फ विपक्षी दल बल्कि देश की जनता भी उन्हें अब प्रधानमंत्री पद पर नहीं देखना चाहती। वहीं दूसरी तरफ इंदिरा को सत्ता से हटाने के लिए तमाम विपक्षी दल एक साथ आ चुके थे। इंदिरा का खेल बिगाड़ने के लिए सबने जनता पार्टी से हाथ मिला लिया था। तब आम चुनाव में जनता पार्टी को 345 सीटें मिली थी और देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनने जा रही। 60-70 के दशक में रिपोर्टिंग करने वाले कुछ पत्रकार बताते हैं कि ये एक सामूहिक जीत थी, लेकिन हाल एक अनार 100 बीमार वाला था क्योंकि जीत के बाद पार्टी का हर नेता प्रधानमंत्री बनना चाहता था। लेकिन पीएम की रेस में सबसे आगे फिर से मोरारजी देसाई, बाबू जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह और चंद्रशेखर जैसे कुछ बड़े नाम थे। मोरारजी देसाई तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब एक बार फिर से देख रहे थे क्योंकि नेहरू और शास्त्री की मौत के बाद भी वो खुद के पीएम बनने का दावा कर चुके थे। हमने आपको बताया भी था पिछले एपिसोड में, लेकिन कांग्रेस सिंडिकेट ने उनके सपनों पर पानी फेर दिया। अब हालांकि जनता पार्टी गठबंधन में वो सिंडिकेट तो नहीं था, लेकिन वहां से टूट कर आए कुछ नेता तो थे ही, और वो नेता नहीं चाहते थे कि देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। बताया जाता है कि उस वक्त जनता पार्टी गठबंधन में भारतीय जनसंघ गुट को 345 में से 102 सांसद मिले थे, लेकिन उसने प्रधानमंत्री पद के लिए दावा नहीं किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे आज हम आरएसएस के नाम से जानते हैं, उन्होंने तब वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाई थी। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी का सबसे बुरा हाल हुआ था। उस चुनाव में इस पार्टी को सिर्फ 28 सीटें मिली थी। जगजीवन राम को भारतीय जनसंघ के 102 सांसदों के साथ सोशलिस्ट ब्लॉक के 35 सांसदों का भी समर्थन मिला था। उनका कहना था उन्हें पूरे देश में हरिजन और दलितों का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने इंदिरा सरकार से इस्तीफा देकर कांग्रेस छोड़ी, तभी कांग्रेस हारी है, इस वजह से उन्हें पीएम बनने का मौका दिया जाना चाहिए। जगजीवन राम ने अटल बिहारी वाजपेयी से भी वायदा किया था कि अगर वो उन्हें समर्थन देते हैं तो वाजपेयी को वो डिप्टी पीएम बना देंगे। तो कुल मिलाकर हर नेता अपनी अपनी तिकड़म लगाने में जुड़ा हुआ था। हर कोई अपनी तिकड़म लगा रहा था, हर कोई आंकड़े जुटाने की कोशिश कर रहा था। तो जुगाड़ की राजनीति से पीएम पद का सफर तय किया जा रहा था। यह सब देखकर चौधरी चरण सिंह ने आचार्य जेबी कृपलानी को बुलाया और कहा कि जनता गठबंधन की राजनीति पूरी तरह से उनके दिमाग की उपज है। जनता पार्टी को बड़ी जीत उनकी वजह से ही मिली है, इसलिए उन्हें ही प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। तो उस समय जयप्रकाश नारायण और जेबी कृपलानी मार्गदर्शक और निर्णायक की भूमिका में थे। सरकार और प्रधानमंत्री बनाने का सारा काम 4 गांधीवादी नेता केएस राधाकृष्ण, नारायण भाई देसाई, सिद्धराज ढड्डा और गोविंद राव देशपांडे के हाथ में था। राजनीतिक विश्लेषक और लेखक रवि विश्वेश्वरैया शारदा प्रसाद बताते हैं, मेरे मामा केएस राधाकृष्ण गांधी शांति प्रतिष्ठान के प्रमुख थे। वो दशकों तक जेपी नारायण के सबसे करीबी सलाहकार थे। उन्होंने अपने साथियों नारायण भाई देसाई, सिद्धराज ढड्डा और गोविंद राव देशपांडे के साथ मिलकर सोचा कि जगजीवन राम या चरण सिंह में से कोई भी प्रधानमंत्री के रूप में देश के लिए विनाशकारी हो सकता है, क्योंकि चरण सिंह और जगजीवन राम एक दूसरे से नफरत करते थे। दोनों में से किसी एक को पीएम बनाया जाता है तो दूसरा उसे सत्ता से हटाने के लिए षड्यंत्र रचता रहेगा। तो यही वजह थी कि आचार्य जेबी कृपलानी और जेपी नारायण ने इनके नाम पर सोच विचार करना ही बंद कर दिया। अब मोरारजी देसाई के नाम पर मंथन किया जाने लगा। लेकिन अब एक समस्या और थी। मोरारजी और जेपी के बीच दशकों से व्यक्तित्व को लेकर टकराव चल रहा था। मोरारजी जेपी से 6 साल बड़े थे और वो खुद को जवाहरलाल नेहरू का असली उत्तराधिकारी मानते थे। हालांकि फरवरी 1974 के बाद से मोरारजी और जेपी ने इंदिरा गांधी को हटाने के लिए आपसी कड़वाहट को किनारे रख दिया और एक साथ हो गए।
शारदा प्रसाद बताते हैं कि गांधीवादी चौकड़ी ने यह भी तय किया कि नानाजी देशमुख को उप प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए, जिन्होंने जनता गठबंधन बनाने के लिए कई आजाद गुटों को एकजुट किया था। जेपी और जेबी सोचते थे कि मिलनसार और सबको एकजुट करने वाले नानाजी घमंडी अहंकारी कठोर मिजाज के मुरारजी की कमियों को दूर करने में सहायक होंगे। वहीं बाबू जगजीवन राम को भरोसा था कि उन्हें 345 में से कम 165 सांसदों का समर्थन प्राप्त है, लिहाजा उन्होंने पीएम पद के लिए खुला चुनाव करवाने का प्रस्ताव रखा। कहा, जिसके पास ज्यादा सांसद होंगे वो पीएम बन जाएगा। उनका यह प्रस्ताव गांधीवादी चौकड़ी को पसंद नहीं आया। उन्होंने जगजीवन राम को समझाया कि अगर ऐसा किया तो जनता पार्टी गठबंधन में दरार आ जाएगी और ये टूट जाएगा। रवि विश्वेश्वरैया शारदा प्रसाद बताते हैं कि वक्त गुजरता जा रहा था, 24 मार्च 1977 तक नई सरकार का गठन होना था। 23 मार्च की शाम मेरे मामा के एस राधाकृष्णन मीडिया को बताया कि किसी तरह का आंतरिक चुनाव नहीं होगा, जल्द ही आचार्य जेबी कृपलानी और जेपी नारायण नए पीएम और कैबिनेट का ऐलान करेंगे। इसके बाद गांधीवादी टीम ने मोरारजी देसाई के पक्ष में सर्वसम्मति कराने के लिए पूरी रात काम किया और भारतीय जनसंघ के लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की गई। आडवाणी ने बताया कि जनसंघ बाबू जगजीवन राम का सिर्फ इसलिए समर्थन कर रहा है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो जेपी की कसम। चारों गांधीवादियों ने जनसंघ गुट को 3 कैबिनेट पदों की पेशकश की, जिसके बाद आरएसएस ने नानाजी देशमुख को उप प्रधानमंत्री बनने की मांग रखी। बताया जाता बाबू जगजीवन राम को इस पूरे सियासी खेल की भनक तक नहीं लगी। वो जिन लोगों को अपना कट्टर समर्थक मान रहे थे वो सब रातों रात मुरारजी के साथ खड़े हो गए। तो इस तरह से बाबू जगजीवन राम चौधरी चरण सिंह को पछाड़कर मोरारजी देसाई देश के चौथे प्रधानमंत्री बन गए। खैर, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन उनकी छवि एक अड़ियल नेता की थी। इस वजह से इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के अफसर हमेशा सतर्क रहते थे। अपनी किताब काउबॉयज ऑफ रॉ में बी रमन लिखते हैं, मोरारजी देसाई यूके और फ्रांस की यात्रा पर गए थे। लंदन में उन्होंने रॉ के स्टेशन चीफ से उनके काम के बारे में पूछा। रॉ ऑफिसर ने एक रिटर्न डिटेल नोट बनाया ताकि पीएम साहब रॉ के काम के बारे में जान सके। मोरारजी ने वो नोट अपनी जेब में रख लिया और कहा, मैं इसे फ्लाइट में वापस जाते हुए पढ़ूंगा। तो ऑफिसर ने कहा, सर इसे पढ़कर तुरंत वापस कर दीजिए, इस नोट में बेहद सेंसिटिव जानकारी है, आप ऐसा नहीं कर सकते। अब ये बात सुनकर देसाई भड़क उठे और बोले, मैं बंबई का सीएम रह चुका हूं, दिल्ली में कई सालों तक केंद्रीय मंत्री रहा हूं, मुझे सिक्योरिटी के बारे में मत सिखाओ, मैं तुमसे ज्यादा अच्छे से ये सब जानता हूं। अफसर भी अड़ा रहा और नोट वापस करने की मांग करता रहा। तो आखिरकार आंखों से नाराजगी जताते हुए मोरारजी ने वो नोट वापस रॉ ऑफिसर को दे दिया। तो मोरारजी जितने अड़ियल थे उतने ही बड़बोले नेता भी थे। उनके बारे में किस्सा लिखते हुए बीबीसी के वरिष्ठ पत्रकार रेहान फजल बताते हैं कि साल 1977 में रॉ के जासूसों ने पता लगा लिया कि पाकिस्तान कहूटा में परमाणु प्लांट लगा चुका है। एक बहुत बड़ी से आप कह सकते हैं इंफॉर्मेशन उनके हाथ लगी नक्शे के साथ। एक रॉ एजेंट के हाथ पाकिस्तान के कहूटा परमाणु प्लांट का डिजाइन भी लग गया, जो $10,000 में भारत के हाथ लग सकता था। तब ये बात पीएम मोरारजी देसाई को बताई गई तो उन्होंने इस डिजाइन को खरीदने से ही मना कर दिया और अपने बड़बोले मिजाज के चलते उन्होंने पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक को फोन करके ये बता दिया कि हमें आपके परमाणु प्लांट की पूरी जानकारी है। अब सोचिए, एक पीएम रहते हुए किसी से ऐसी हरकत की कल्पना की जा सकती है क्या? उनकी इस एक हरकत ने पाकिस्तान को एक्टिव कर दिया और सबसे पहले उस रॉ एजेंट को पकड़ा गया। इतना ही नहीं, देसाई की इस हरकत की वजह से पाकिस्तान में मौजूद कई रॉ एजेंट्स को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। उनका एक और पुराना किस्सा है जो आपको बताते हैं, जिसमें आपको उनके अड़ियल रवैये का अंदाजा लग जाएगा। ये बात है 15 अगस्त 1973 की, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लाल किले के सामने एक टाइम कैप्स्यूल को 32 फीट गहरे गड्ढे में दबाया। इंदिरा गांधी का कहना था कि इसमें आजादी के बाद देश की 25 साल की उपलब्धियां लिखी हैं, जबकि विपक्षी दलों का दावा था कि इसमें सिर्फ नेहरू इंदिरा परिवार का महिमा मंडन लिखा हुआ है। फिर क्या था, जैसे ही सरकार बदली, हजारों साल के लिए दफनाया गया ये टाइम कैप्सूल महज 4 साल बाद ही खोद कर बाहर निकलवा लिया गया। और ये कारनामा भी किसी और ने नहीं बल्कि एक वक्त पर कांग्रेस के वफादार रहे मोरारजी देसाई ने ही करवाया। उनके बारे में एक और बात कही जाती है जिसे शायद आपने भी सुना होगा। कहते हैं मोरारजी समूत्र आंदोलन के भी प्रणेता थे। उन्होंने समूत्र आंदोलन चलाया था, मतलब ये कि वो अपना मूत्र पीते थे। उनका दावा था कि इसे पीने से वो बेहद सेहतमंद रहते हैं। जून 1978 में मोरारजी पीएम रहते हुए अमेरिका की यात्रा पर गए। यात्रा के दौरान अमेरिकी पत्रकार डैन राथर ने उनका एक इंटरव्यू लिया था। तो राथर ने देसाई से पूछा,
अब 82 साल की उम्र में इतना सेहतमंद कैसे रहते हैं? तब मुरारजी ने कहा था कि वो फलों और सब्जियों के रस, ताजा और प्राकृतिक दूध, सादा दही, शहद, कच्चे मेवे और 5 लौंग लेते हैं। उन्होंने सबसे चौंकाने वाली बात यह बताई कि वो रोज करीब 100 ग्राम अपना मूत्र पीते। अब ये बात सुनते ही रिपोर्टर के मुंह से निकला, यक, क्या आप अपना मूत्र पीते हैं? ये सबसे गंदी बात है जो मैंने आज तक नहीं सुनी। मुरारजी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बल्कि उन्होंने फिर से कहा कि खुद का मूत्र पीना एक नेचुरल थेरेपी है। साथ में एक तर्क देते हुए कहा, अगर आप जानवरों को देखेंगे तो वो भी खुद का मूत्र पीते हैं और सेहतमंद रहते हैं। हिंदू दर्शन में गाय के मूत्र को पवित्र माना गया है और हर अनुष्ठान में उसका इस्तेमाल किया जाता है। लोगों को इसे जरूर पीना चाहिए। तो खैर, मुरारजी देसाई जितने अड़ियल थे, उनका बेटा उतना ही करप्ट था। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर अपनी किताब बियॉन्ड द लाइंस में लिखते हैं कि इंदिरा सरकार हो या मुरारजी सरकार, कुछ बदला नहीं था। इंदिरा सरकार में संजय गांधी मनमानी करते थे, तो मुरारजी सरकार में उनका बेटा कांति भाई सिर्फ अपनी ही चलाता था। मैंने मुरारजी भाई से शिकायत की कि उनका बेटा मोटी रकम लेकर सौदे और ठेके निपटा रहा है और ये सब वो पीएम हाउस में रहते हुए कर रहा है। उसे पीएम हाउस से बाहर निकाल देना चाहिए। इस पर मुरारजी ने कहा कि मैंने एक बार अपनी बेटी को डांटा था तो उसने खुदकुशी कर ली। अब मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहता और इसी वजह से मुरारजी अपने करप्ट बेटे की करतूतें बर्दाश्त करते रहे। कुलदीप नैयर ने अपनी उसी किताब में मुरारजी और चौधरी चरण सिंह की दुश्मनी का किस्सा भी लिखा। उन्होंने बताया कि चौधरी चरण सिंह और मुरारजी देसाई के बीच पुरानी दुश्मनी थी, बस इंदिरा को हटाने के लिए ही ये दोनों एक साथ आए थे। लेकिन सत्ता मिलते ही इनकी दुश्मनी फिर से शुरू हो गई। जब चौधरी चरण सिंह ने नाराज होकर समर्थन वापस लेने की बात कही तो मैंने मुरारजी से कहा कि आप चरण सिंह से बात करके उन्हें मना लीजिए। तब मुरारजी ने कहा, मैं चरण सिंह का चूरण सिंह बना दूंगा, मैं उसे नहीं मनाऊंगा। बस फिर क्या था, बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ी कि चरण सिंह ने जनता दल गठबंधन से अपना समर्थन वापस ले लिया और मुरारजी देसाई की सरकार गिर गई। उन्होंने 28 जुलाई 1989 के दिन तत्कालीन राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपा और इस तरह मुरारजी देसाई ने 2 साल 126 दिन प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। इसके अगले ही साल हुए आम चुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस की जबरदस्त वापसी हुई। इंदिरा वाली कांग्रेस आए 353 सीटें जीती और जनता पार्टी महज 31 सीटों पर सिमट कर रह गई। चौधरी चरण सिंह की जनता पार्टी ने 41 सीटें जीती और इस तरह जनता दल टुकड़ों में बंटता चला गया जो फिर कभी एकजुट नहीं हो पाया। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।